खजुराहो लोकसभा विकास मंच के तत्वावधान में गुरुवार को उज्जैन धर्मशाला में नगर के प्रतिष्ठित एवं व्यापारी वर्ग की उपस्थिति में रेल लाइन की मांग बुलंद करने बैठक आयोजित की गई, जिसमें कटनी विधानसभा के पूर्व विधायक एवं संघ के संस्थापक व अध्यक्ष गिरिराज किशोर पौदार के द्वारा लोकसभा क्षेत्र को रेल लाइन की स्वागत एवं उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया खजुराहो लोकसभा अंतर्गत 8 विधानसभा आती है, जिसमें कटनी में रेल सुविधा काफी समस्या और खजुराहो में कुछ वर्ष पूर्व ही शुरू हुई। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र रेल सुविधा से आज भी ये वंचित है। पवई विधानसभा सबसे बड़ी है। यहाँ की समाज सेवी संगठन और स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से कटनी से पन्ना और दमोह से सतना को रेल लाइन से जोड़ने का जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पवई क्षेत्र के विकास और रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए रेल लाइन होना जरूरी है। खजुराहो लोकसभा विकास मंच इसके लिए रेल सुविधाओं से वंचित विधानसभाओं में जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर रेल मंत्रालय और विभागीय मंत्री से मांग को पूरा कराने में लगा रहेगा। इस दौरान पुष्पेंद्र लटोरिया, मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी, अजीत कुमार जैन, पवन जैन, प्रहलाद बोहरे, ज्ञानचंद जैन, गणेश डेंगरे, संजय जैन, रविन्द्र अग्रवाल, अजीत बड़ोलिया, अशोक सोनी, रविन्द्र जैन, ब्रजेश नगाइच, महन जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन माध्यम से आज हम लोग पवई में भी आए हुए हैं आप लोगों के सहयोग से, और आपका आपके यहाँ आने के बाद भी पता चला कि यहाँ पे बहुत से जागरूक लोग हैं जो रेल के लिए आंदोलन हमेशा से करते चले आए हैं, तो उसी में हम लोग भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और आपका सभी का सहयोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग का सहयोग मिलता रहे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। पवई का अधिकार चाहिए, रेल लाइन का विस्तार चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये मोहिंद्रा, रेपुरा और इस तरफ भी ककरहती और ढेर सारी ब्रांचें, जो वीरा जो डकैत एरिया हुआ करता था कभी, अब तो शायद ऐसा होगा नहीं। तो मैं उस समय 18 ब्रांच हुआ करती थी, जिसमें परिवार को पन्ना से कटनी जाता था, कटनी में रहता था, तो लॉकडाउन करता था और सोमवार को कटनी से पन्ना जाता था और रूट यही हुआ करता था। कृष्ण गर्भ में भी मैंने 2.5 महीने काम किया और वही में भी रहा हूँ। बस यहाँ पर ज्यादा समय काम नहीं किया, बस एक आदमी टिकरिया में भी इसी तरह काम किया, महिंद्रा में भी इसी तरह काम किया। इसीलिए मैंने यहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, यहाँ मयसर नहीं है रोशनी शहर के। यानी जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी कल्पना ये थी कि हर घर में चिराग जाएगा, रोशनी होगी, लेकिन यहाँ तो ये देखने में आता है कि 75 साल पूरे होने के बाद भी शहर को रोशनी। कटनी जिले से लेकर खजुराहो विधानसभा में मेरा ख्याल है 8 विधानसभाएं आती हैं, एक आध और बाहर की जोड़ ले तो 9 आती हैं। जैसा कि कहा गया कि टौली से चंदला तक रेल लाइन, तो इसमें 8 या 9 विधानसभा आती हैं। कटनी की छोड़ दीजिए, कटनी जिला था, बहुत पहले से रेल लाइन थी। हालांकि इस बीच कटनी जिले से बहुत कुछ छीना गया है, वासी कुछ छीना गया है, DRM का ऑफिस आना चाहिए था वो छीना गया है। कटनी एक स्टेशन से लोगों का 5 तरफ आना जाना होता था वो छीना गया है, 3-3 स्टेशन बना दिए गए हैं, लोग इस स्टेशन से उस स्टेशन भटकते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है ऑटो से आने जाने में, कहीं भी लूटने पिटने की संभावनाओं की बात होती है। गणेश डेंगरे ने किया, पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।